नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 7 ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। हमारे मतलब का चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, हमें आता है। हम आजकल ई बैंकिंग भी करते हैं और मोबाइल बैंकिंग भी करते हैं। देखो अभी क्या कह रहा है, इन द एरा इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेनी न्यू स्कीम आर बीइंग ब्रॉट इन बैंक। इन 1991 एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, आज आपका यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रहा है, ये इसी स्कीम की हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, ये इसी स्कीम की वजह से हो रहा है। किस स्कीम की वजह से? एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, अब देखो इन 1991 एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ था, ये स्कीम आई थी हमारी 1991 में जिसमें लिबरलाइजेशन हुआ था। प्राइवेटाइजेशन मींस जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर थे, पहले कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था हमारे इंडिया में। मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बहुत बड़ी स्कीम है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जिससे आपको चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन 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 बोलेगा। जैसे अभी फर्स्ट लाइन में भी देखा, जब समझ आएगी, जब आपको ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझ आएगा। थोड़ी सी बता रही हूँ क्या है, पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स थे, बहुत सारा, कोई भी अगर हमें फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते थे, बहुत कुछ करवाना पड़ता था, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता था, तो कोई भी हमारे आके यहाँ पे वर्क करने के लिए रेडी नहीं था। कोई भी बाहर की कंपनी, कोई भी बिजनेस यहाँ पे करने के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती, तो कोई भी रेडी नहीं होता था करने के लिए। लेकिन आफ्टर 1991 हमारा सारा काम कॉमन सेक्टर के पास था, बहुत मैक्सिमम वर्क हमारे पास कॉमन सेक्टर के पास था। लेकिन आज हमारा मैक्सिमम वर्क प्राइवेट सेक्टर के पास है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास हमारे 4 सेक्टर है, ठीक है। तो वही था कि हमने क्या कहा कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीकरण, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इट मींस इंटीग्रेटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी विद इंडियन इकोनॉमी। मतलब आज अगर अमेरिका में कुछ होता है, अमेरिका में हमारा जो सेंसेक्स निफ्टी है, अगर एक इकोनॉमी आज इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका से रिलेटेड है, अमेरिका की चाइना से, हर एक इकोनॉमी एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी भी इकोनॉमी में अच्छा होता है तो हमारी इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है, और किसी इकोनॉमी में फॉल डाउन या कुछ भी होता है तो हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। तो ये हमारा 1991 के बाद हुआ जब ग्लोबलाइजेशन आया। मींस इट मींस इंटीग्रेटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी विद इंडियन इकोनॉमी, की जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको किसके साथ इंटीग्रेट कर दो, हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ। अब देखो फोर्थ लाइन पढ़ो, समझ आएगी। इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज हम ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, ठीक है, मेनी न्यू चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट इन बैंक, बहुत सारे चेंजेस ब्रॉट हुए हैं। अब हम तो चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, हम आ गए एलपीजी पे, नहीं ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। बहुत सिंपल है, आज हम घर बैठे बैठे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इतने सारे हमारे बिल है, हम सारे पे कर देते हैं घर बैठे बैठे, हमारे पास इतनी सारी एप्स हैं, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, हम फ्लिपकार्ट अमेजोन घर बैठे बैठे, हम एटलीस्ट हमारा घर बैठे बैठे वो भी सामान, ग्रोसरी का भी आता है, हमारी ऐप है, बिग बाजार में भी ऐसा कुछ है, ठीक है, ग्रूफोज हमारी ऐप है जिसमें हम घर बैठे बैठे सब्जियां भी मंगवा सकते हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं आज, अगर हम एक वर्किंग पर्सन है तो हमें जाने की कोई नीड नहीं है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। हम घर बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे बहुत सारे काम अपने खुद के कर सकते हैं, ठीक है, हम बहुत कुछ मंगवाते हैं। तो ये सब क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग। हमने पढ़ा था कि बैंक हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन करता है, ठीक है, वो कैसे करता है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा था हमने, एजेंसी फंक्शन पढ़ा था जिसमें बैंक हमारा ट्रेवलर चेक इशू कर देता है, ठीक है, हमारे पेमेंट्स कर देता है हमारे बिहाफ पे, हमारे डिब्बे हमारे शेयर्स को सेल कर देता है, परचेज कर देता है। सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तो ये था, अभी इसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है, बस सिंपल से चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग क्या होता है एक्चुअल में देखते हैं। द चेंजेस विच आर डन और बीइंग डन इन द ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड मेथड्स आर नेम्ड एज इनोवेटिव बैंकिंग। जो भी चेंजेस हो रहे हैं किसमें, हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज में, मैनेजमेंट प्रोसेस में, मेथड्स आर नेम एंड इनोवेशन इन बैंकिंग, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, अगेन आ गया हमारा ग्लोबलाइजेशन जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, रैपिड कॉम्पिटिशन इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री, न्यू सर्विसेज आर प्रोवाइड।
provided by the innovative banking, by domestic and foreign bank established in private bank. मतलब क्या होगा? Generally इसका मतलब क्या है? कि जो भी banking, हमारा जो banking sector है, उसमें जितने भी innovative schemes वो सब हो रही हैं, ठीक है वो. Globalization has brought a rapid competition. जब से globalization हुआ है, जब से हमारे इंडिया में competition बढ़ गया है, जिसमें banking में, ठीक है हमने पढ़ा था. कि बैंकिंग कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे कैसे सेविंग का प्रमोशन करते हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है. न्यू सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इनोवेटिव बैंकिंग बाय डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक एस्टैब्लिश इन अ प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट, आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन इन द बैंकिंग सेक्टर कस्टमर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर द बैंक. ठीक है, banks आर अनाउंसिंग मेनी न्यू स्कीम्स एंड स्कीम एंड सर्विसेज फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर. नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ बैंक इज टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द कस्टमर. अब बैंक के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? टू सर्व अ कस्टमर अ बेटर सर्विसेज. क्या करना, क्या सर्व करना कस्टमर को? कोई भी कस्टमर बैंक में जा रहा है, उनको क्या सर्व करना है? बेटर सर्विसेज. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है. आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ? जो कस्टमर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए बैंक, क्योंकि विदाउट कस्टमर बैंक हैज नो लाइफ. उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं. अगर उसमें कस्टमर आएंगे नहीं, उसमें डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, उसमें विड्रॉल नहीं करवाएंगे, उसकी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है, उससे कुछ इश्यू नहीं करवाएंगे, तो उसमें हमारे बैंक का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. ठीक है, जब तक उसमें कस्टमर जाके कुछ करवा रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल, और उसमें बहुत सारी स्कीम्स होती है, वो नहीं ले रहा, ठीक है, कोई अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, तो उसके बाद एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या है बैंक का? तो बैंक का आज बैंक इसलिए हमारे यहाँ एस्टैब्लिश है क्योंकि वो क्या दे रहे हैं? कस्टमर को एक बेटर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर उनसे सेटिस्फाई है. बैंक आर अनाउंसिंग मेनी न्यू स्कीम्स एंड सर्विसेज फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर. ठीक है, इसलिए हमारा ई बैंकिंग आज अच्छे स्केल पे है, अच्छा वर्क कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. ठीक है, और आपने देखा जोमैटो आ गया, हमारा स्विगी आ गया, यूबर, ये सब क्या है? ये ऐसी ऐसी कुछ एप्स हैं, तो आप इनमें भी तो कर रहे हो अपने, ठीक है, इनमें भी तो ट्रांजेक्शन कर रहे हो. घर पे 11 बजे रात को बैठे बैठे आपके पास कितना कुछ आ सकता है स्विगी से. ठीक है, यूबर ईट्स आ गया एक आपका जोमैटो है, ये सब क्या है? आपकी मोबाइल बैंकिंग से. ठीक है, ये कैश ऑन डिलीवरी भी होती है उनपे, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीजें. ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस बैंक आर एबल टू प्रोवाइड अ मोर फ्लेक्सिबल बैंकिंग ऑप्शन फॉर देयर क्लाइंट्स बाय ऑफरिंग मेनी इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज थ्रू एटीएम एनी टाइम ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ठीक है, एटीएम जो हम कभी भी अपना जाके पैसे निकलवा सकते हैं हमारे अकाउंट के थ्रू. ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कभी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग वाइल क्विकर एंड फाइन फास्टर सर्विस लाइक कन्वीनियंट बैंकिंग एनीवेयर बैंकिंग 24 hours 7 days वर्चुअल बैंकिंग आर ऑफर्ड. अब देखो क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्या हुआ बेटा, बैंक्स एटीएम हमारे यहाँ एटीएम खुलने लगे. आज हर एक गली में, हर एक गली के बाहर निकलते मेन रोड पे हमारे एटीएम है, पहले ऐसा नहीं होता था. ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क है पैसे रखने में. ठीक है, हमारा बहुत ज्यादा वो घट चुका है, हमारा क्या यहाँ पे वो चोरी और ये सब बहुत ज्यादा घट चुका है. लेकिन अगर हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो उससे हमें थोड़ी बहुत सेफ्टी है, लेकिन अगर हम कैश रखते हैं, 5-6 thousand का कैश रखते हैं अगर हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो हमारे लिए रिस्क है. ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वाइल क्विकर, जब अब ये सब चीजें तो हमें अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास है, लेकिन अगर हमें सर्विस अच्छी नहीं देगा क्या हम उसको यूज करेंगे? नहीं करेंगे. ठीक है, हमने एटीएम में अपना वो डाला कार्ड, हमने एटीएम अपना पिन कोड डाला, पैसे ही नहीं आ रहे भैया, 10 मिनट खड़े रहने पड़ रहे हैं हमें वहां, क्या हम उसको अगली बार यूज करेंगे? हमारा कार्ड ही अंदर चला गया मशीन के अंदर, को ठक 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 कर रहे हैं. ठीक है, एटीएम में पैसे ही नहीं है, तो क्या हम एटीएम यूज करेंगे? कभी यूज नहीं करेंगे. लेकिन बैंक ऐसा होने नहीं देता, बैंक हमें क्या देता है? वाइल क्विकर एंड फास्टर सर्विसेज. ठीक है, बहुत ज्यादा क्विकर और फास्टर सर्विसेज देता है. ठीक है, टाइम टू टाइम जब भी हमें करवाना हो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वाइल क्विकर एंड फास्टर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करवाते हैं? क्विकर और फास्टर सर्विस लाइक कन्वीनियंट बैंकिंग एनीवेयर बैंकिंग कहीं भी कर लो 24 hours into 7 days वर्चुअल बैंकिंग आर ऑफर्ड. अब आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिट कार्ड की थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी, क्रेडिट कार्ड कैसे आया था. ठीक है, एक बच्चे की स्टोरी है वो बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है,
नेक्स्ट देखो हमारे कुछ इनोवेटिव बैंकिंग के कुछ वो है, क्रेडिट कार्ड कैसे, कंप्यूटराइजेशन, नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हमारा एटीएम, ऑल डे बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग। यस, नेक्स्ट टॉपिक यूनिट सेकंड का चैप्टर 7, ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। हम इसमें पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन, एक्चुअल में क्या है ये, हम इसके अब वो पढ़ेंगे, इनके इनोवेशन, क्रेडिट कार्ड है हमारा, कंप्यूटराइजेशन है, नेट बैंकिंग है, ऑल टाइम है, एवरीवेयर बैंकिंग, ये सब पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, क्रेडिट कार्ड क्या होता है एक्चुअल में, उसका इंट्रोडक्शन और उसके यूजेस। इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक विच गिव्स द होल्डर अ फैसिलिटी ऑफ ट्रेवल। हम कहीं घूमने जाते हैं, हम अपना कार्ड स्वाइप करवाएं, हमारे अकाउंट से पैसे कट के उसके पास आ जाएंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट, कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, कोई शो देखने जा रहे हैं, वहां पे भी हम स्वाइप करवा सकते हैं। होटल फैसिलिटी, होटल में भी स्वाइप हो जाता है, हम कुछ भी डिनर कुछ भी खा रहे हैं वहां पे, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, कहीं से भी कुछ भी परचेज कर रहे हैं, मॉल वगैरह, ठीक है, कुछ भी कहीं से भी परचेज कर रहे हैं, कोई भी स्टोर से बड़े, इजी डे लाइक बिग बाजार, पैसिफिक मॉल्स, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, यहाँ से हम करवा सकते हैं स्वाइप, ठीक है। शॉप्स होती है जहाँ पे हम जैसे कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है, शॉप, शूज शॉप है ना, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, गोल्ड की शॉप्स होती है वहां पे, ये कार्ड स्वाइप होते हैं, ठीक है। टिकट ऑफ ट्रेन एंड एयर ट्रेवल और क्रेडिट, ठीक है, टिकट्स भी हो जाती है ट्रेन की, एयर ट्रेवल भी हो जाता है, ठीक है। इसका नाम क्रेडिट कार्ड क्यों रखा, ठीक है, क्रेडिट का मतलब हमने पढ़ा था उधार, हम ये देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। और इसकी इन्वेंशन कहां से, इंट्रोडक्शन में हम वो देखेंगे। देखो बेटा, ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था, किसका आइडिया था, एक अमेरिका में हुआ था इंट्रोड्यूस 1950 में, ठीक है, जब एक बिजनेसमैन फ्रैंक मैनेरो, उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया किस पे, डिनर पे, होटल पे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने खा पी लिया, सब कुछ हो गया, जब पेमेंट का टाइम आया, तो उसने देखा उसकी पॉकेट में पर्स ही नहीं है, तो इट वॉज एम्बेरेसिंग पोजिशन ना, इट वॉज इंसल्टिंग वेन यू हैव अ पार्टी एंड यू डोंट हैव अ मनी। तो उसने क्या किया, ही फोन्ड हिज वाइफ टू सेंड कैश एंड डिसाइडेड टू डेवलप अ फुल प्रूफ सिस्टम टू अवॉइड अ सच पोजीशन इन फ्यूचर। तो उसने कहा यार, एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम हमेशा कभी कैश हम कैरी नहीं करते, तो हम अपने क्या पढ़ा था, इट इज अ पीस ऑफ प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक का पीस होता है, कौन, क्रेडिट कार्ड। तब यहां से क्रेडिट कार्ड की इन्वेंशन हुई थी। दोबारा पढ़ते हैं, देखो क्या है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन अमेरिका इन 1950 व्हेन अ बिजनेसमैन फ्रैंक मैनेरो इन्वाइटेड सम फ्रेंड ऑफ हिज फॉर हिज फ्रेंड फॉर डिनर इन होटल। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही discovered that he forgot to bring the purse, ठीक है, he phoned his wife to send the cash and decided to develop a foolproof system to avoid a such situation in future, ठीक है। अब देखते हैं हमारे इंडिया में कब आया, अमेरिका में 1950 में, हमारे इंडिया में आया था 1961 में, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका एग्जिस्टेंस कब आया, 1950 में, ठीक है, अमेरिका में। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1961, इंडिया में कब आया, 1961, कहां पे, एज अ ब्रांच ऑफ डाइनर क्लब, ठीक है। इन अगस्त 1980 क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी वॉज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, कहां पे प्रोवाइड हो रही थी, कब हुई थी, सेंट्रल बैंक हम आरबीआई ने कब इसको करा था, 1980 में, ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है। इसके हम यूजेस देखते हैं वेरियस, और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। यस, क्रेडिट कार्ड हम देखते हैं, मास्टर कार्ड, दो तरह के कार्ड होते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर, एक मास्टर कार्ड और एक वीजा कार्ड। एंटर द वर्ल्ड मार्केट, जो पूरी मार्केट में आया था, अमेरिका में तो ये आ चुका था कब, 1950 में, लेकिन जब पूरी मार्केट में आया था कब, 1966 में। देयर आर दीज कार्ड आर एक्सेप्टेड इन 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारी 180 कंट्रीज है आज के टाइम में डिपॉजिट हो रहे हैं, कहां पे, 180 कंट्रीज में एक्सेप्ट कर रहे हैं किसको, क्रेडिट कार्ड को। इन इंडिया क्रेडिट कार्ड वर इंट्रोड्यूस, मतलब जब का फर्स्ट सबमिटेड हुआ था, कहां पे, डाइनर क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है। द कार्ड होल्डर बिकम अ मेंबर ऑफ डिपॉजिट अ पर्टिकुलर वन टाइम फीस एंड गेट अ फैसिलिटी ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। बेटा हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही है हमें किससे, बैंक से। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो हमें लगता है क्रेडिट कार्ड भी उधार पे ही होता है। ऐसे अगर हम फर्स्ट टाइम देखें बिना इन सब चीजों को पढ़े, तो हमें देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, उधार, जनरली उधार। तो ये है क्या, देखो ये क्या है, हमने कुछ भी परचेज किया, कुछ भी, कोई भी सर्विस ली, गुड्स होते हैं कुछ भी खरीदना और सर्विस होते हैं कुछ भी लेना। जैसे हमने किसी के पास गए, होटल में सर्विस ली, कोई सैलून में हमने कार्ड स्वाइप करवाया, कोई सर्विस ली, ठीक है, बहुत सारी जगह सर्विस होते हैं, ठीक है, हमने कोई भी सर्विस ली, हमने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा दिया, ठीक है, हो गया पेमेंट, हो गया।
लेकिन हमें उसका जो पेमेंट होता है ना 45 डेज बाद उसको क्लियर करना पड़ता है। अगर हमने नहीं किया, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, हमने नहीं किया उसको 45 डेज से पहले, तो हम पे इंटरेस्ट लगता जाता है उस अमाउंट पे, ठीक है। दैट इज योर क्रेडिट कार्ड, उधार देते हैं लेकिन उसको पेमेंट करना पड़ता है हमें 45 डेज से पहले, हमें लिमिट दी जाती है 45 डेज की, ठीक है। देखो ये क्या है, डिपॉजिटिंग अ पर्टिकुलर वन टाइम फीस एंड गेट अ फैसिलिटी ऑफ पेइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। बेटा क्या है, हमने कुछ भी परचेज किया, हमने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा दिया, ठीक है, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड किससे लिंक होता है, हमारे अकाउंट से, उसका अकाउंट से लिंक होता है पूरा, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं कर दूंगा आपके अकाउंट में उतने पैसे हो चाहे ना हो। मैंने 10,000 की शॉपिंग की, मेरे अकाउंट में 6,000 है, 4,000 का बैलेंस हुआ, लेकिन मेरा कार्ड स्वाइप हो जाएगा, लेकिन मुझे वो 4,000 की पेमेंट 45 डेज से पहले करनी पड़ेगी। वापस लिमिट दे रखी है क्रेडिट कार्ड की 45 डेज से पहले, अगर हमने नहीं की तो वो उस पर इंटरेस्ट लगता है, और वो जो इंटरेस्ट लगता है वो हाई रेट का होता है, ठीक है। हम आगे पढ़िए कितने परसेंट पे इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड पे अगर हम पेमेंट नहीं करते, ठीक है। देखो अब हमने पढ़ा क्रेडिट कार्ड, बहुत बड़ा हो रहा है क्रेडिट कार्ड का हमारा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें लिख के आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट कार्ड हमारा बैंकिंग के पेपर में, ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो अब हमारी कोई एक चीज है, उसके फायदे भी होंगे तो उसके नुकसान भी होंगे, हम इसमें दोनों देखते हैं। मेरिट्स मतलब फायदे, डीमेरिट्स मतलब नुकसान, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना हो लिख लेना, जो हिंदी मीडियम के। फ्री फॉर्म कैरिंग रिस्क ऑफ कैश, हम अपनी जेब में रखते हैं 500 का नोट, आगे 10 का नोट, फिर 50, फिर ऐसे करते 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 पर 2,000 तक पहुंचते हैं, तो वो रिस्क हमारा हट जाता है, ठीक है। कैशलेस जर्नी हो जाती है, हमें सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करना है, उसको स्वाइप करवाना है, तो एक सिंपल सा कार्ड रखना है हमें, ठीक है। इट मेक अ इमेज ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, हम किसी के सामने मॉल में है, कोई हमारा फ्रेंड खड़ा है, वो तो निकाल रहा है कैश ले भाई 5,000 2,000 के दो नोट, एक 500 के, तो वो एक वो है, और एक हम दे रहे कार्ड स्वाइप, एक हम पिन कोड डाल रहे हैं, तो वो एक हमारी इमेज बनाता है, ठीक है, फर्क है बहुत। डायरेक्ट अमाउंट कैंसिल फ्रॉम द अकाउंट, नो कैश यूज, ठीक है। देखो क्या है, इट मेक्स अ इमेज ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, एक इमेज बनती है हमारी, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, आपको एक फ्रेंड करा है बगल में इजी डे में, वो तो निकाल रहा है उसे 5,000 की शॉपिंग करी, 2,000 के नोट, फिर हम निकाल रहे हैं एक क्रेडिट कार्ड, सर लो, हम पिन कोड डाल रहे हैं, वो हमारी इमेज बनती है, ठीक है। डायरेक्ट अमाउंट कैंसिल फ्रॉम द अकाउंट, नो यूज ऑफ कैश, डायरेक्ट अमाउंट हमारा कटता है अकाउंट से, हमें कैश की कोई दिक्कत नहीं आ सकती, लेकिन इसके डिमेरिट भी है। व्हेन द कैश होल्डर स्पेंड बियॉन्ड द लिमिट, जब हम खर्च कर देते हैं अपनी लिमिट से ज्यादा, प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी अराइजेस, हमें बाद में भरना पड़ता है इसका पैसा, फ्री में नहीं है ये, 45 डेज मतलब 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद हमें इसका पैसा भरना पड़ता है, तो वो चीज है, ठीक है। तो इसके मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी। इसके बाद हमने हमारी एक नेट बैंकिंग है, कंप्यूटराइजेशन है, ठीक है, इन पे सब पे आ सकता है, लेकिन हमारा क्रेडिट कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, तो वो ही खत्म हो चुका है। इसके बाद हम कंप्यूटराइजेशन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटराइजेशन, जैसे हमने पढ़ा आजकल सारा काम हमारा किससे हो रहा है, थ्रू कंप्यूटर, हमारे उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम सेव कर लेते हैं, बहुत सारे डेटा को सेव करके कभी भी उसको ओपन कर सकते हैं, कभी भी किसी भी कस्टमर की हम डिटेल निकाल सकते हैं बैंक में। तो आजकल बैंक क्या कर रहे हैं, अपना सारा काम कंप्यूटर से कर रहे हैं। देखो अब थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। इंडियन बैंकिंग हैव स्टार्टेड एड्रेसिंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम एंड टेक्नोलॉजी, किसके द्वारा चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टास्क ऑफ कंप्यूटराइजेशन, जो कंप्यूटर का काम है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है बहुत सारे बैंकों में इंडिया में, ठीक है। इवन इन द जो छोटे छोटे गांव, कस्बे और ये सब विलेजेस हैं, वहां पे भी ओल्ड स्टाइल हार्ड बाउंड सेविंग, मतलब वहां पे भी जो कंप्यूटर, जो ये काम है किसका, हाथ से करने का, ये बहुत मतलब तेजी से खत्म हो रहा है, डिसअपियरिंग स्पीडली, ठीक है। दूसरे हाथ ऑन अदर हैंड, मैनी इंडियन बैंक हैव स्टार्टेड, बहुत सारे ऐसे हमारे बैंकों ने क्या स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन इतना ही था, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटराइजेशन, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग। देखो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी,
हम सब इससे वाकिफ है और हमें सबको यूज करना आता है, ठीक है। 85% ऑफ पीपल आर यूजिंग नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं क्या है। इंटरनेट और इंफॉर्मेशन हाईवे हैज ब्रॉट अ रिवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड इन द वर्ल्ड। इंटरनेट हैज मेड द बैंकिंग वेरी फास्ट। द नेम ऑफ इज न्यू ऑफ इट्स न्यू एंड चेंज अवतार इज ऑनलाइन बैंकिंग। एक न्यू चेंज हुआ, एक रिवोल्यूशन हुआ है। कभी किसी ने सोचा था कि हम घर बैठे बैठे अपने बिल पे कर सकते हैं, घर बैठे बैठे अपना खाना मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी और हम उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कभी हमने सोचा था, कभी नहीं सोचा था, ठीक है। एवरीथिंग रिमेनिंग शेल बी डन बाय बैंक इटसेल्फ। सारा काम बैंक हमारा खुद कर रहा है, ठीक है। ये एक वे है जिससे हमारा क्या बच रहा है, हमारा सेफ टाइम हो रहा है, हमें जाना नहीं पड़ रहा, हमें अपने शेड्यूल वर्क में से बिल और ये सब एक्स्ट्रा जो हमारी एक्टिविटीज है रेगुलर की उसमें से टाइम नहीं निकालना, लेबर मनी बाय कम्प्लीटिंग आवर्स वर्क इन मिनट्स, ठीक है। हम घंटों का काम कुछ मिनट्स में ही कर लेते हैं, पहले लाइनों में लगना पड़ता था, लेडीज की लाइन अलग, ठीक है। आज हमारे पासपोर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पासपोर्ट हमारा खुद बन रहा है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। हमारे फॉर्म है, पहले लिखने पड़ते थे, जरा सी भी मिस्टेक हो जाए तो उसकी करेक्शन करवानी पड़ती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी अर्लियर टाइम में, पहले के टाइम में, ठीक है। लेकिन आज क्या है, ऑनलाइन एवरीथिंग शुड बी डन ऑनलाइन, काम करो, कोई क्राइम नहीं है इसमें, कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपको निकल के आ जाएगा, चलान बनता है आजकल, ठीक है। लाइसेंस, पहले तो वैसे पर्चे पे बनाते थे लाइसेंस, समथिंग कुछ होता था, मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन आज क्या है, अपना थोड़े से पैसे खर्च करो, 800 to 900 rupees, 1000 rupees आपका लाइसेंस बन जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन सारा काम हमारा ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। बहुत हम इन सब चीजों से वाकिफ है, नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग, इसलिए इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये इसने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। इट विल हेल्प मिलीनियर्स एंड गिफ्ट टू द मिलीनियर्स, ठीक है।